चिराग पासवान की रैली 2 जुलाई को हिलसा में होने जा रही है, यानी नालंदा में। ये चिराग पासवान की तीसरी रैली होगी। इससे पहले वो 2 रैली और नालंदा में कर चुके हैं। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार का जो एक तरह से क्षेत्र माना जाता है, उनका एक तरह से जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार का वो गढ़ है, वहाँ पर चिराग पासवान लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले महीने यानी जुलाई 2 जुलाई को चिराग का एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन कार्यक्रम के पीछे कौन आदमी है? वही आदमी जिसने कभी नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाया था, कुर्मी चेतना रैली से निकले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, और आज वही सतीश जी चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल चुके हैं। सतीश कुमार इससे पहले 2 कार्यक्रम यानी 2 रैली जो है वो नालंदा में कर चुके हैं, और उनकी जो भीड़ होती है वो बहुत ही व्यापक होती है। यानी कि अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार के गढ़ में अगर कोई 50,000 की भीड़ ला करके जो है स्कूल मैदानों को भर दे रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कल इनकी बैठक हुई थी, बैठक में जो है कई लोग शामिल हुए, जिसमें राज सिन्हा, हंस पासवान, अर्जुन पासवान, भूषण पासवान, संजय कुमार सिन्हा, अशोक सिंह, योगेंद्र पासवान, कमलेश पासवान, मधेश्वर पासवान, उपेंद्र पासवान और सुरेश प्रसाद, नरेश प्रसाद, ये सभी लोग जो हैं थरथरी प्रखंड यानी कि जो हिलसा विधानसभा है वहाँ पर इकट्ठा हुए। चिराग पासवान लगातार जो है वो एक नंबर भी जारी किए हैं कि भाई आप अपना जो है ओपिनियन बताइए, जिसे हम जो है विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर सके। लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। आज ही बिहार में एक बड़ा जो है उलटफेर हुआ कि महागठबंधन की जो घटक दल थी जीतनराम मांझी की जो पार्टी हम, उन्होंने एक अपना रास्ता बना लिया है। उनके बेटे संतोष मांझी ने उसे इस्तीफा दे दिया, और अब कहा जा रहा है कि वो भी एनडीए की तरफ देख रहे हैं। वहीं फिलहाल अभी तक संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि हम एकला चलो की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है बिहार का समीकरण भी बदल रहा है। और अब इस समीकरण में चिराग पासवान ने जिस तरह से राजनीति में नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देने का काम किया है, उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, वो सतीश कुमार है। सतीश कुमार लगातार जो है नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, और उनका अब एक ही सपना है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में मदद किए थे, इस बार चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। सतीश कुमार, आपको पहले भी हम बता दिए कि कुर्मी चेतना रैली से निकले हुए 3 बार के पूर्व विधायक हैं, और उसके अलावा एक कुर्मी समाज में भी उनकी एक अपनी पैठ है। कहा जाता है कि पहले सतीश कुमार के साथ ही बिहार के कुर्मी लोग थे, लेकिन कुर्मी चेतना रैली के बाद वो वोट डाइवर्ट नीतीश कुमार पर हो गया, और नीतीश कुमार ने कुर्मी कुशवाहा का समीकरण बना करके बिहार में लगभग जो है 17 साल से राज्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन ये सवाल होगा कि आखिर सतीश कुमार नालंदा को ही क्यों चुन रहे हैं, या चिराग नालंदा में ही ये तीसरा कार्यक्रम 6 महीने के अंदर क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार को नालंदा में वो ढेर कर देते हैं तो पूरे बिहार में ये लड़ाई और भी आसान हो जाएगी। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।